तो नमस्कार दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। कैलाश पर्वत चीन का हिस्सा क्यों है? तो कैलाश पर्वत हिंदुओं के लिए दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है और यह भगवान शिव का निवास स्थान है। और ऐसा कहा जाता है कैलाश पर्वत के दर्शन करने मात्र से ही पिछले जन्म के सारे पाप भूल जाते हैं। और बहुत से भक्तों के मन में यह प्रश्न होता है कि कैलाश पर्वत स्थित कहाँ है। तो कैलाश पर्वत स्थान को उसका उत्तर यह है कि कैलाश पर्वत वास्तव में चीन का हिस्सा नहीं है, बल्कि माउंट कैलाश और मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है, जो प्रशासनिक चीन के शासन के अधीन है। और चीन का पिछली कुछ शताब्दियों में किसी भी प्रमुख भारतीय साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। बहुत समय पहले कैलाश नेपाल का हिस्सा था और उस पर नेपाली राजा का शासन था। और यह नेपाली राजा ही थे जिन्होंने एक तिब्बती राजा को उनकी बेटी की शादी के लिए दहेज के रूप में कैलाश क्षेत्र उपहार में दे दिया था और फिर यह तिब्बत का हिस्सा बन गया। उसके बाद यह हमेशा तिब्बती क्षेत्र रहा और जब 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली तब भी यही स्थिति थी। भारत को तिब्बत से कभी कोई समस्या नहीं रही। तिब्बत के साथ हमारे सदियों से मजबूत सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध भी रहे हैं और कई तिब्बती विद्वान इसके प्रसिद्ध हमारे विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए भारत आए थे। लेकिन जब 1950 के दशक में चीन की लाल सेना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो भारत चुपचाप खड़ा रहा और शायद यह एक बड़ी कूटनीतिक भूल थी। हालांकि हर साल हजारों भारतीय हिंद तीर्थयात्री शांति और सद्भाव के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं। तो अगर आप उस वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट में हर हर महादेव विष्णु में कॉल हर हर